90 के दशक में करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री में टॉप अभिनेत्रियों में से एक रही हैं, जिनकी अदाकारी लोगों को दीवाना कर जाती थी। वो कपूर खानदान की बेटी जरूर है, लेकिन करिश्मा ने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान खुद बनाई। करिश्मा सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं बल्कि एक्टिंग और डांसिंग में भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपने शानदार करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जिस वजह से करिश्मा अपने फैंस के दिलों पे आज भी राज करती हैं। आप सभी ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि करिश्मा कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में रहती हैं। शादी से पहले वो अभिषेक बच्चन के साथ हुई सगाई को लेकर चर्चा में बनी थी और शादी के बाद बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ हुए डिवोर्स को लेकर चर्चा में बनी रही। और अब करिश्मा कपूर बिजनेसमैन संदीप तोशनीवाल के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि करिश्मा कपूर एक बार फिर दुल्हन बनने वाली हैं और संदीप तोशनीवाल के साथ अपना घर बसाने वाली हैं। बताया जाता है कि संदीप तोशनीवाल ने करिश्मा से शादी करने के लिए काफी लंबे समय का इंतजार किया है। आपको बता दें, संदीप जब करिश्मा के प्यार में पड़े थे तब वो शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर अर्षिता है, जिनसे डिवोर्स लेने के बाद संदीप को 7 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी। बता दें, जब से संदीप तोशनीवाल को उनकी पत्नी से डिवोर्स मिला, तब से माना जा रहा है कि दोनों जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच करिश्मा कपूर ने अपने बच्चों की वजह से दूसरी शादी नहीं करने का फैसला लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे इस उम्र में उन्हें दुल्हन बने हुए देखे। बता दें, कुछ समय पहले करिश्मा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के बाद उन्होंने बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी कर ली थी। करिश्मा कपूर और संजय कपूर अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे समायरा और कियान हुए, लेकिन करिश्मा की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी। दोनों ने शादी के 13 साल बाद तलाक ले लिया। तलाक के बाद करिश्मा ने अपने पति संजय कपूर पे कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जब वो संजय कपूर के साथ हनीमून पे गई थी तो उनके पति ने उनका सौदा अपने दोस्तों के साथ किया था, उनके साथ सोने के लिए मजबूर किया था। इतना ही नहीं, संजय उनके साथ मारपीट भी करते थे, जिसे तंग आकर उन्होंने संजय को डिवोर्स दे दिया और तभी से उनका नाम संदीप तोशनीवाल से जुड़ने लगा। फिलहाल अब देखना होगा कि करिश्मा दूसरी शादी करती है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, करिश्मा को दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।